महाराष्ट्र चुनाव और देशभर की सारी बड़ी अपडेट के साथ आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे, महाराष्ट्र के अंदर शुरू होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को टाटा अलविदा बाय बाय कहने वाली है जनता। बताएंगे बड़े सर्वे के अंदर पहले ही बीजेपी को चुनाव से जनता ने कह दिया है अलविदा। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है और किस गठबंधन को मिल रहा है प्रचंड बहुमत। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आने वाली है एक ऐसा कानून जिससे होने वाला है बड़ा विवाद दोस्तों। इसके पीछे क्या बड़ी साजिश रची जा रही है, बताएंगे क्या है पूरा मामला और जो लोग हो रहे प्रभावित करेंगे जोरदार विरोध। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के दो सहयोगी दलों ने आरक्षण के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी को इनडायरेक्ट तरीके से खरी खोटी सुनाई है दोस्तों। महाराष्ट्र के अंदर आरएसएस ने बीजेपी को दी है एक ऐसी सलाह जिससे भारतीय जनता पार्टी का हौसला भी टूट सकता है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर इस बार इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने वाला है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर लोकसभा चुनाव के बाद इस साल के अंत में महाराष्ट्र के साथ साथ तीन अन्य राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा की चार राज्यों में वोट डाले जाएंगे दोस्तों। चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। इस बीच मीडिया में ताजा सर्वे सामने आया है, इसे देखकर भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोगों के लिए सियासी संकट उत्पन्न हो चुका है दोस्तों। महाराष्ट्र के अंदर कुल 288 सीटें हैं। जनसत्ता में एक रिपोर्ट छपी है जिसके अनुसार दावा किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने आंतरिक सर्वे कराए बीजेपी को महाराष्ट्र के अंदर 55 से 65 सीटें मिल रही है और इस सर्वे की माने तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन अच्छे खासे सीटों के अंतर से चुनाव जीत रहा है। महाविकास अघाड़ी जिसमें शिवसेना यूबीटी कांग्रेस पार्टी एनसीपी एसपी शामिल है, 2014 से लेकर 2019 के बीच में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जन समर्थन जनता ने दिया था। 2014 में भारतीय जनता पार्टी 122 सीटें जीत गई थी, 2019 में 105 पर आकर सिमट गई, लेकिन अब इस बार बीजेपी 55 सीटों पर आकर धड़ाम से गिरने जा रही है दोस्तों। नवभारत टाइम्स के एक दूसरे सर्वे में आंकड़े पेश किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की जो टेंशन बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट में एक राजनीतिक विश्लेषक ने मुंबई के अंदर 36 सीटों पर सर्वे किया। इन सर्वे में एनडीए और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच में टक्कर दिखाई दे रही है। सर्वे में महाविकास अघाड़ी गठबंधन 17 सीटें जबकि भारतीय जनता पार्टी वाले गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन को 13 सीटें मिल सकती है, जबकि जून में महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 18 सीटें मिल रही थी। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच में अगर यहां पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लीड है तो साफ तौर पर अगर ऐसा ही रिजल्ट रहा तो बीजेपी ना 3 में दिखेगी ना 13 में दिखेगी और महाराष्ट्र तो पूरा राज्य भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो बीजेपी की सीटें बुरी तरीके से गिरने वाली है, यानी सबसे खराब स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आने वाली है, लेकिन शहरी इलाकों से भाजपा को इस बार भी उम्मीद है। लेकिन मुंबई क्षेत्र के अंदर अगर महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने बीजेपी और एनडीए गठबंधन को शिकस्त दे दी है तो साफ तौर पर पूरे महाराष्ट्र के अंदर भाजपा विरोध में लहर चल रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि महाराष्ट्र के लोग भारतीय जनता पार्टी को गुजरात के हित में काम करने और मराठियों को नुकसान पहुंचाने के तौर पर देखते हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएं। साथ साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किसी भी तरीके से 2013 के वक्फ बोर्ड एक्ट में चेंज को लेकर ऐलान किया है कि वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और स्वीकार नहीं करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की है कि एनडीए की सरकार और ओपोजिशन की पार्टी इस पूरे मामले पर विरोध करे। एनडीए के सहयोगी दलों से भी कहा गया है कि इसका विरोध किया जाए, ऐसे कोई भी कानून पास नहीं होने चाहिए। मोदी गवर्नमेंट एक वक्फ बोर्ड बिल लेकर आने वाली है जिसमें कई सारे संशोधन किए जाएंगे दोस्तों और इससे वक्फ बोर्ड को कमजोर किया जाएगा, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि अभी कानून पेश नहीं किया गया है लेकिन इसी सत्र में पेश किया जा सकता है। साथ मोदी सरकार में मंत्री और एनडीए के सहयोगी अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने अब आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्तियों में आरक्षण का मुद्दा उठाया है। इसके अलावा उन्होंने जातीय जनगणना के मुद्दों पर भी जोर शोर से अपनी सारी बातें रखी है दोस्तों। आपको बता दें कि आरक्षण के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह फंसी पड़ी है। एनडीए के सहयोगी अपना दल का स्टैंड क्लियर है, वो कहते हैं कि आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्तियों में आरक्षण का मुद्दा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके अलावा उन्होंने जाति जनगणना कराने की मांग की है और जोर शोर से उठाया है, यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी के द्वारा संसद के अंदर जातीय जनगणना की मांग किए जाने पर विरोध कर रहे थे, लेकिन अब अपने ही सहयोगी अपना दल एस सोनेलाल पार्टी अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की ओर से स्पष्ट किया गया है कि वो जातीय जनगणना कराने के पक्ष में है। अनुप्रिया पटेल ने पिछले महीने ही एससी एसटी और ओबीसी वर्ग से आने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरियों में आरक्षण न मिलने को लेकर यूपी सरकार योगी सरकार को पत्र लिखा था। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि आउटसोर्सिंग कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसके जरिए होने वाली भर्ती में आरक्षण का पालन नहीं किया जाता है। बड़ी बात है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के केवल एक ही सहयोगी सांसद नाराज नहीं है बल्कि दूसरे जनशक्ति पार्टी के नेता भी नाराज है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का जोरदार विरोध करते हुए पुनर्विचार करने की याचिका दाखिल करने का ऐलान किया। उन्होंने दलित समुदाय को मिलने वाले एससी कैटेगरी के आरक्षण में क्रीमी लेयर वाले मानक का विरोध किया है और किसी भी सब कैटेगराइजेशन का विरोध किया गया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि वो बीजेपी सरकार को तभी सपोर्ट करेंगे जब भाजपा उनके हितों में कार्य करेगी। साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता में बने रहने को इतना जरूरी समझता है कि उसने खुद अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की कमान संभाल ली है। वैसे इस आशय की अटकलें हवाओं में तैर रही थी क्योंकि अब इसकी पुष्टि हो गई है। मुंबई और पुणे में हाल ही में भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की बैठक में
में संघ के पदाधिकारी शामिल हुए। इन बैठकों से पहले बीजेपी के नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नागपुर स्थित मुख्यालय में संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों से गुपचुप बैठक करते हुए देखा गया है। दोस्तों बीजेपी के एक नेता ने बताया कि संघ महसूस करता है कि महाराष्ट्र में पार्टी के लिए सत्ता में आना कितना जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है और मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। राज्य की सत्ता बड़ी अहमियत रखती है। हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था, इस तरीके की थ्योरियां मीडिया में चल रही है। और अब विधानसभा को लेकर आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी को कई सारे राजनीति करने के टिप्स दिए हैं। सबसे पहले कहा गया है कि मोदी के नाम पर चुनाव ना लड़े और किसी भी गारंटी के नाम पर भी चुनाव ना लड़े, इससे जनता का वोट पार्टी को नहीं मिलता है। आरएसएस की ओर से और भी कई सलाह दी गई है। ऐसा लग रहा है दोस्तों अपने आप को सामाजिक संगठन बताने वाले आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में जिताने के लिए हर संभव प्रयास करना शुरू कर दिया है। साथ साथ देश को दंगे की आंख में झोंकना चाहते हैं। महंत राजू दास स्थान लखनऊ के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया सनातन धर्म परिषद, इसमें सम्मान समारोह के दौरान कई सारी बातें कही गई है, विवादित टिप्पणियां की गई है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह बोले, कहा यह अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत है और इस तरीके की बातें कर रहे, खुलेआम हिंसा फैलाने का लाइसेंस दे रखा है योगी सरकार ने। ऐसी भाषा दूसरे धर्म मजहब के लोग बोल दे तो दूसरे दिन बुलडोजर चल जाएगा, उसे जेल में डाल दिया जाएगा। साथ साथ दोस्तों हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 लोकसभा में सारे सांसद भारतीय जनता पार्टी को दिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हिमाचल प्रदेश से आते हैं। आपदा के वक्त में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्थानीय स्तर पर मौजूद है और लोगों से बात कर रहे हैं। दोस्तों आपदा की स्थिति के बाद जो नुकसान हुआ है जान और माल का, इसके लिए लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। उनको आश्वासन देते हुए जल्दी से जल्दी कार्यों को संपन्न करने की बातें चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां है? सबसे बड़ा सवाल यही है। कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से लोगों ने सांसद बनाकर भेजा, लेकिन वो भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। केवल राहुल गांधी को लेकर अभद्र भाषा का जब इस्तेमाल करना हो तो अचानक से प्रकट हो जाती है। अगर आप भी मानते हैं कि लोगों ने, मंडी के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के मंत्री विक्रमादित्य सिंह को हटाकर, उनको हराकर कंगना रनौत को अपना सांसद बनाकर सबसे बड़ा नुकसान किया है, तो अपनी राय जरूर लिखकर आएगा। दोस्तों के साथ में गोमती नगर छेड़खानी कांड में पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया। योगी आदित्यनाथ ने सदन में 16 लोगों की बात नहीं की, केवल यादव और मुस्लिम का नाम लेकर टिप्पणी की गई, जबकि यादव लड़का उस वीडियो में नहीं था, वो यादव था, इसलिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब कभी सरकार बनी तो ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो भाजपा के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव की ओर से ये बातें स्पष्ट कर दी गई है। दोस्तों साथ 2011 में जब देश में इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन की शुरुआत हुई तो अरविंद केजरीवाल का उदय हुआ और इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे थे अन्ना हजारे। उसके बाद वो गायब हो गए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए और कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता से बाहर हो गई। इसके बाद अब प्रशांत किशोर भी बिहार के अंदर अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। दोस्तों आपका क्या मानना है लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि प्रशांत किशोर जिस तरीके से एक कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों की भीड़ जुटा रहे हैं, कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने की जगह ज्यादातर आरजेडी को नुकसान पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपका क्या मानना है, क्या प्रशांत किशोर एक जेन्युइन नेता है या फिर उन्हें किसी बड़े राजनीतिक पार्टी ने प्लांट करके बिहार में भेजा है? तो अपनी राय जो लेकर आएगा। साथ साथ एससी एसटी कोटा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एनडीए सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी ने किया समर्थन, दूसरे मंत्री चिराग पासवान ने किया था विरोध और कई सारे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों के अलग अलग तरीके ये बयान आ रहे हैं। दोस्तों और 240 वाली बीजेपी सरकार इन सबको साथ में रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन कब तक ऐसा कर पाएगी बड़ा सवाल रहेगा। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने से दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत, ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत।